हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स रिवील। आज मैं आपके साथ जो हेयर रिमूवर ट्रीटमेंट शेयर कर रही हूँ उसको यूज़ करने से आपके हेयर परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे। ये रेमेडी बहुत ही असरदार है इंस्टेंट हेयर रिमूवल के लिए और साथ ही साथ इसको लगातार इस्तेमाल करने से आपके हेयर परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे। अनवांटेड हेयर को तो हम सब रिमूव करना चाहते हैं और उसको रिमूव करने के लिए कई सारे मेथड भी अवेलेबल होते हैं, पर उनमें से कोई भी परमानेंट नहीं होता और जो परमानेंट मेथड होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे कि लेज़र ट्रीटमेंट वगैरह। आज मैं आपके साथ एक ऐसा मेथड शेयर कर रही हूँ जो कि हेयर को रिमूव तो कर देगा ही, साथ साथ उसके लगातार इस्तेमाल से आपके हेयर परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं ये रेमेडी क्या है, पर उससे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की आपको अपडेट मिल सके। ये पाउडर यूज़ किया जाता है हेयर रिमूवल क्रीम्स में हेयर को रिमूव करने के लिए। ये एक मेन इंग्रेडिएंट होता है हेयर रिमूवल क्रीम्स में हेयर को रिमूव करने के लिए। तो इसमें एक चम्मच ये डाल लेंगे बेरियम सल्फेट का पाउडर। नेक्स्ट हम लोग को चाहिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के लगातार इस्तेमाल से आपके जो हेयर होते हैं वो निकलना बिल्कुल बंद जाते हैं, यानी कि ये परमानेंट हेयर रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक चम्मच बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं टूथपेस्ट। आप यहाँ पे कोई भी टूथपेस्ट ऐड कर सकते हैं, मैं इसे बस एक बेस की तरह यूज़ कर रही हूँ। और लास्ट में ऐड करेंगे एलोवेरा जेल, एक चम्मच एलोवेरा जेल इसमें ऐड कर लेंगे और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये क्रीम बनके रेडी है। इस वीडियो में हम लोग लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, यानी कि आप लाइव रिजल्ट देखेंगे इस क्रीम का। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको यूज़ करके। सबसे पहले आप उस एरिया को क्लीन कर लें जहाँ पे भी आपको हेयर रिमूव करना हो। उसके बाद इस क्रीम की एक लेयर अपने अनवांटेड हेयर पे इस तरह से अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद आपको वेट करना है कम से कम 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, अब मैं आपको इसको रिमूव करके दिखाती हूँ। तो इसके लिए आप ले लें कोई भी वेट क्लॉथ या फिर वेट वाइप और इसको अपने हेयर के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से रिमूव करते जाएँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से इससे हेयर रिमूव हो रहे हैं, जैसे कि कोई हेयर रिमूवल क्रीम हम लोगों ने यूज़ करी हो मार्केट वाली। ये बिल्कुल वैसे ही आपके हेयर को रिमूव करेगा और साथ साथ इसके इस्तेमाल से आपके हेयर परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे। तो देखिए कितने अच्छे से इसने सारे हेयर को रिमूव कर दिया है। इस मेथड को आपको तब भी यूज़ करना है जब आपके हेयर ग्रोथ पूरी आ जाए। इसको आप अपने हेयर रिमूवल क्रीम की जगह पे यूज़ करिए और आपके हेयर धीरे धीरे करके परमानेंटली रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। आप इसे अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, अपर लिप्स या फिर साइड बन के हेयर को रिमूव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ट्राई दिस और अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे किसी भी हेल्पफुल वीडियो को आप मिस ना कर सकें। फिर लौटूंगी एक अमेजिंग रेमेडी के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।